अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जावेद हजाना और आप लोग को आज जो मैं एक सर्विस इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, ये बड़ी मज़े की सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है। इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, यूज़फुल भी है और बहुत बिल्कुल फ्री भी है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ये सर्विस हमारी तरफ से है, हमारी कंपनी की जानिब से है, लेकिन इसके चार्जेस कोई नहीं है, ये फ्री है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। ये SMS सेंडिंग की सर्विस है। जैसा कि हमारा जो कारोबार वो SMS रिलेटेड है, SMS मार्केटिंग रिलेटेड, हम बल्क SMS प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके पैसे नहीं पे कर सकते, तो हम फ्री वाले SMS किस तरह से हासिल करें। तो आप अपने मोबाइल को, अपने फ़ोन को, एंड्रॉयड फ़ोन को SMS गेटवे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा पोर्टल आपको ये मदद फराहम करेगा, इसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगी। कैसे करना है चलिए देखते हैं। हमारी वेबसाइट ओपन कर लीजिए, hajana1.com। इसमें आपको ब्रांडेड SMS के मेन्यू में नीचे नीचे मिलेगा एंड्रॉयड SMS गेटवे, क्लिक कीजिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है टर्न योर एंड्रॉयड मोबाइल टू फ्री SMS गेटवे, ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। हजाना वन इज़ वन ऑफ लार्जेस्ट SMS कंपनी, ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द लार्जेस्ट SMS मार्केटिंग कंपनी अल्लाह के करम से। तो इसमें ये फीचर्स हैं मेरे भाई, एक तो ये 100% फ्री है, एंड्रॉयड फ़ोन को आप SMS गेटवे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी API भी आपको मिलेगी, जो आप अपने वेबसाइट में, अपने ISP के सर्वर में, कहीं भी किसी भी ऐप में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। छोटा सा फुटर आपके SMS के नीचे ऐड होगा हजाना वन का, अगर आप फ्री वाले यूज़र हैं तो। अगर आप फुटर यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आपको इसकी पेमेंट करनी होगी, अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर ये छोटी सी जो फुटर है ये आपको बेयर करना होगा। सिंगल SMS फीचर भी है इसमें, API भी अवेलेबल है इंटीग्रेशन के लिए, और इसमें टाइमर भी है कि आपकी सिम ब्लॉक ना हो, सिम ब्लॉकेज से बचने के लिए इसमें टाइमर भी सेट किया जा सकता है। टू वे SMS सर्विस है, इसमें SMS सेंड भी होता है, SMS रिसीव भी होता है। तो और वेरी नाइस पोर्टल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे इसको इस्तेमाल करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना छोटा सा अकाउंट रजिस्टर करना है, यहाँ से रजिस्टर योर अकाउंट पे क्लिक करके अपना फ़ोन नाम लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ javed@hajana1.com, आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है और पासवर्ड बनाना है, जो भी आपका दिल करे पासवर्ड बना लीजिए। मैं अपना पासवर्ड यहाँ रख लेता हूँ और रजिस्टर कर लें। ये रजिस्टर हो गया, सिंपल है, चंद सेकंड्स में रजिस्टर्ड हो जाता है। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब आपने यहाँ पे लॉगिन टू अकाउंट पे क्लिक करें और इसको लॉगिन करें, अपना वही ईमेल एड्रेस डालें javed@hajana1.com जिससे आपने अकाउंट बनाया होगा वही डालिए, और पासवर्ड और साइन इन करें। लें जी, ये आपका पोर्टल ओपन हो गया है, इसमें सारी रिपोर्टिंग आ रही है। प्रोफाइल में आप देखें, जैसे मैंने बताया था, आप टाइमर सेट कर सकते हैं, डिले बिटवीन मैसेज 0 to 60 सेकेंड जो भी है, आप 20 सेकेंड यूज़ कीजिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा। अगर आप 20 सेकेंड यूज़ करेंगे तो आपकी सिम ब्लॉक नहीं होगी। रिक्वेस्ट डिलीवरी रिपोर्ट ये क्लिक कर देंगे तो आपको डिलीवरी रिपोर्ट भी मिलेगी कि आपका मैसेज डिलीवर हुआ है या नहीं, और इसको सेव कर दीजिए। पासवर्ड चेंज करना चाहें कर सकते हैं। दूसरा ये देखें डिवाइसेस हैं, और तीसरा ऑप्शन है मैसेजेस, यहाँ आपके सेंट मैसेजेस या रिसीव्ड मैसेजेस की हिस्ट्री शो होगी। सेंडर से आप मैसेज सेंड कर सकेंगे। डिवाइस क्या है, डिवाइस मैं बताता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ये है कि आपने अपने फ़ोन में एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करनी है, जिसका डाउनलोड लिंक ये दिया हुआ है, उसी पेज पे, सेम पेज पे ही दिया हुआ है, और मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसको डाउनलोड करना है आपने अपने मोबाइल पे। तो चले मोबाइल पे चलते हैं, देखते हैं। अब ये ऐप डाउनलोड करके आपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेनी है,
और यही वाला अकाउंट मोबाइल पे जब ओपन करेंगे तो आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा और आपका मोबाइल यहाँ शो हो जाएगा। कैसे करना है चल के देखते हैं। जी तो गाइज़ हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा फ़ोन है। इसमें वही वाली ऐप इंस्टॉल करनी है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ये देखें HO SMS के नाम से ये वाली ऐप है, तो इसको मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। दोबारा इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए और इसमें लिख लीजिए गेटवे डॉट हजाना वन डॉट कॉम। इसको ओपन कीजिए, ये ओपन हो जाएगी। ये वही पोर्टल है जहाँ पे आपने अभी कंप्यूटर से लॉगिन किया था। इसमें नीचे ये लिंक दिया गया है डाउनलोड गेटवे APK, इस पे क्लिक करेंगे तो ये APK डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन में। ये ओके करें, डाउनलोडिंग हो रही है, अब हो चुकी है डाउनलोडिंग। ओपन पे क्लिक करें, ये इंस्टॉल होगी। इंस्टॉल पे क्लिक करें, अगर आपने अननोन सोर्सेज अलाउ नहीं किया हुआ तो ये परमिशन मांगेगा, अदरवाइज़ ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर ये परमिशन मांगे तो आपने परमिशन दे देनी है। लें जी ये इंस्टॉल हो गई है, डन पे क्लिक करें और चल के देखें कि मेरे फ़ोन में ये कहाँ पे इंस्टॉल हुई है। ये देखें ये ऊपर आ रही है HO Gateway के नाम से, इसको ओपन करें, ये वही चीज़ है। अच्छा अलाउ करें, ये SMS सेंडिंग की परमिशन मांग रहा है, ये सारी अलाउ कर दें और ये अलाउ कर दें। अब ये तीन चीज़ें इसमें डालनी है। गेटवे में जा आपने सर्वर पूछ रहा है, सर्वर में आपने लिखना है HTTP और ये कॉलन और डबल स्लैश, सॉरी HTTP के साथ L लग गया था, मिटा दिया। ये देखें सेम इसी तरह डालना है, मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। गेटवे डॉट हजाना वन डॉट कॉम अपना ईमेल एड्रेस डालिएगा जो आपने अभी अकाउंट क्रिएट किया था। ये अब साइन इन करें, ये देखें जी ये हो गया है लॉगिन। अब ये आपको कह रहा है कि ये ऐड एप्लीकेशन टू वाइट लिस्ट, नेवर आस्क अगेन या ओके करें। अब इसको आपने वाइट लिस्ट करना है ऑटो स्टार्ट में, या बैटरी ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग होती है आपके फ़ोन में खुद ब खुद ही ओपन होगी। इसमें आपने देखना है कि वो ऐप हमारी, ये देखें हजाना वन गेटवे खड़ी हुई है HO Gateway, तो इसको आपने यहाँ से ऑन कर देना है बस। अब आप वापस आइए इसमें, ये इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप कंप्यूटर पे चले आइए। यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वही ऑप्शन है मैसेज सेंडर प्रोफाइल डिवाइसेस, और कंप्यूटर पे भी अगर आप आके देखें। हाँ जी तो गाइस अब हम अपने कंप्यूटर पे आ चुके हैं, देखते हैं कि जो मोबाइल पे हमने ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन किया है वो मोबाइल यहाँ डिवाइसेस में शो हो रहा है या नहीं। डिवाइसेस पे क्लिक किया, ये देखें आपका फ़ोन यहाँ शो हो गया है, Vivo 18 2019 कनेक्टेड शो कर रहा है। और ये देखें इसमें भी ड्रॉप डाउन में भी शो हो रहा है। इसी तरह जितने मोबाइल आप कनेक्ट करना चाहें आपके कनेक्ट हो जाएंगे, आपने सिर्फ ऐप इंस्टॉल करनी है और वहाँ लॉगिन करना है। जिस फ़ोन पे भी आप लॉगिन करेंगे वो इधर कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको टेस्ट करते हैं, सेंडर में जाके देखते हैं। यहाँ पे फ़ोन सेलेक्ट कीजिए, आप मल्टीपल फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, जितने फ़ोन कनेक्ट करने हो जस्ट उसमें ऐप इंस्टॉल कीजिए और अपना अकाउंट लॉगिन कीजिए, वो खुद ब खुद इस पे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से सिम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस सिम से आप मैसेज सेंड करना चाहें, डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ नंबर लिख देता हूँ, मैं अपना नंबर लिखता हूँ और नीचे मैसेज,
सेंड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है। ये देखें फ्रेंड्स, मैसेज रिसीव हो चुका है फ़ोन पे। इसी तरह से आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। इसमें एपीआई भी मौजूद है। ये एपीआई की है आपकी, और एपीआई यूआरएल देखना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ अपना नंबर लिखिए, फ़ोन सेलेक्ट कीजिए जिस फ़ोन की एपीआई बनाना चाहते हैं, सिम सेलेक्ट कीजिए या डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, और मैसेज लिखिए टेस्ट मैसेज, और जनरेट लिंक पे क्लिक करें तो ये आपको आपकी एपीआई दे देगा। ये देखें, ये आपका एपीआई यूआरएल है, इसको आप कहीं भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको देखिए यूआरएल पे इनको कॉपी करके, कॉपी लिंक एड्रेस इसको ब्राउज़र में पेस्ट कीजिए और एंटर कीजिए। ये देखिए, ये मैसेज सेंड हो गया है और इधर फ़ोन पे रिसीव भी हो जाएगा। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से इस सर्विस को आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। जस्ट अपना मोबाइल इंस्टॉल कीजिए और इस सर्विस के मज़े लीजिए। अगर मल्टीपल मैसेज सेंड करने हो तो भी सेंडर में जाके ये नीचे डाउनलोड एग्जांपल फाइल दी हुई है एक्सेल की, इसको डाउनलोड कीजिए, इसमें नंबर और मैसेज डाल के यहाँ अपलोड करेंगे तो मैसेज सेंड हो जाएगा जितने भी नंबर होंगे। यहाँ से डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं, सिम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सिम डिवाइसेस ज़्यादा हैं तो आप मल्टीपल सिम में भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि कुछ मैसेज उस सिम से जाएँ और कुछ दूसरी सिम से। इसी तरह जितनी भी सिमें हों सारी सिलेक्ट की जा सकती हैं। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और ये सर्विस भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो ये यूआरएल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सर्विस से फ़ायदा उठा सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।